ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और फाइनली 5-5 हज़ार रुपये ऑटो टैक्सी चालक के अकाउंट में आना स्टार्ट भी हो चुका है। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं हमारे खाता में यानी हमारे अकाउंट में 5 हज़ार रुपये क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यही जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दिल्ली में कोरोना की कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसी बीच देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की थी। और जिन लोगों को 2020 में 5-5 हज़ार रुपये ऑटो टैक्सी चालक को मिला था, उसे कल से ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये देना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आ चुका है। यदि आप लोगों को अकाउंट में आया है या फिर नहीं आया है तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप लोगों को नहीं आया है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट में पैसे आया है या फिर नहीं आया है। तो आप यहाँ पे दो तरह से चेक कर सकते हैं। पहली नंबर, जिस बैंक से आधार कार्ड लिंक है उस बैंक के आप हेल्पलाइन नंबर यानी कि बैलेंस इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर पे आप एक बार मिस कॉल मार सकते हैं। तो मिस कॉल मारेंगे तो वहाँ से आपको रिटर्न में एक SMS आएगा, वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। और दूसरी नंबर, दिल्ली सहायता योजना की तरफ से एक लिंक अपडेट किया गया है, उस लिंक के द्वारा भी आप लोग यहां पे पता लगा सकते हैं हमारे अकाउंट में 5 हज़ार रुपया आया है या फिर नहीं आया है। तो दरअसल करना क्या होगा, सिंपल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे चुका हूं, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा, इसके बाद सबमिट करना होगा। रेफरेंस नंबर आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर पता है तो डायरेक्ट आप रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंडर रेफरेंस नंबर का एक ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग आधार का नंबर टाइप कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर से आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे अकाउंट में 5 हज़ार रुपया आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हैं हमारे अकाउंट में 5 हज़ार रुपया क्रेडिट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।